गाजा में इजरायली सेना अभी तक संभल नहीं पाई है। वहीं गाजा के भीतर तमाम छोटे बड़े प्रतिरोधी संगठन एक साथ मिलकर आईडीएफ की कमर तोड़ने में लगे हुए हैं। ये सभी संगठन बेहद ही चालाकी से इजरायली सेना को टारगेट कर रहे हैं, चाहे अल कासिम ब्रिगेड हो या फिर अल कुद्स ब्रिगेड और या फिर मुजाहिदीन ब्रिगेड। ये सभी आईडीएफ को घेर कर उस पर हमले कर रहे हैं। और अब इसी कड़ी में इस्लामिक जिहाद की सैन्य शाखा अल कुद्स ब्रिगेड ने आईडीएफ को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। दरअसल अल कुद्स ब्रिगेड ने गाजा बॉर्डर के आसपास बसे कई सेटलमेंट्स पर ताबड़तोड़ बमबारी की है। अल कुद्स का कहना है कि उसने अशदोद, अश्केलोन और गाजा में बने सेटलमेंट्स पर कई राउंड्स रॉकेट फायर किए हैं। अल कुद्स ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें अल कुद्स के लड़ाके घनी हरियाली के बीच जमीन पर रॉकेट लॉन्चर तैनात कर रहे हैं और फिर वो उसमें एक बड़ा सा रॉकेट लगा देते हैं, जिसे कुछ ही सेकंडों बाद फायर कर दिया जाता है। अल कुद्स के अलावा अलक्सा ब्रिगेड ने भी नेटजरी मैक्सिस में इजरायली सैनिकों पर दो 107 mm रॉकेट्स और हैवी मोर्टर गोले दागने का दावा किया है। अलक्सा ब्रिगेड ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें एक लड़ाका पहले तो जमीन पर दो लॉन्चर लगाता है और फिर उसमें रॉकेट लगाकर उन्हें फायर कर देता है। और इस हमले के बीच अल मुजाहिदीन ब्रिगेड ने अंसार ब्रिगेड के साथ मिलकर इसी इलाके में आईडीएफ पर एक और बड़ा अटैक किया है, जिसका एक वीडियो फुटेज भी सामने आया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे एक नकाबपोश लड़ाका लॉन्चर में कई रॉकेट फिट करता है और फिर उन्हें दनादन फायर कर देता है। इसके बाद अल कुद्स ब्रिगेड और अल कासिम ब्रिगेड एक साथ मिलकर सुजैया कैंप में इजरायली सैनिकों पर धावा बोल देते हैं। अल कुद्स और अल कासिम के लड़ाके एंटी पर्सनल गोलों से आईडीएफ के जवानों पर हमला करते हैं। हमास के लड़ाके पहले तो कैमरे से आईडीएफ की निगरानी करते हैं और उसके बाद सामने की बिल्डिंग में तैनात आईडीएफ के जवानों पर घात लगाकर फायर कर देते हैं। हमास का एक लड़ाका स्नाइपर राइफल से सामने खड़े आईडीएफ के जवान पर हमला कर देता है। इसके बाद दूर एक छत पर तैनात आईडीएफ के एक और जवान पर रॉकेट से हमला होता है। और इस हमले के बाद अल कुद्स के लड़ाके अल शुजैया में घुसने की कोशिश कर रहे इजरायली सैनिकों पर हमला कर देते हैं। हमास के इस वीडियो में दूर खंडर पड़ी एक इमारत में आईडीएफ का एक जवान पोजीशन लिए हुए दिखता है, जिस पर हमास का एक लड़ाका स्नाइपर राइफल से निशाना लगाता है और अचानक से आईडीएफ का ये जवान या तो नीचे छिप जाता है या फिर गोली लगने से गिर जाता है। आपको बता दें कि गाजा के अलावा अल कासिम ब्रिगेड ने वेस्ट बैंक और बारता गांव के बीच बसे हरमेश सेटलमेंट पर एक बड़ा हमला किया है। यहां पर अल कासिम ने इजरायली सेना के वाहन के रास्ते में आईईडी विस्फोटक बिछा दिया था, जो आईडीएफ के सैन्य वाहनों के आते ही फट गया। और इस हमले से पहले इजरायली मीडिया ने कहा था
कि हरमीज सेटलमेंट के पास एक इलाके में 4 इजरायली घायल हुए थे। ये धमाका उस वक्त हुआ जब इनमें से एक इजरायली गाड़ी से बाहर निकलकर दरवाजा खोलने लगा, तभी ये आईईडी ब्लास्ट हो गया। और इस हमले के बाद अल कासिम ब्रिगेड ने आईडीएफ को धमकी देते हुए कहा है कि वो वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलर्स पर अपने हमले जारी रखेगा।